जैन मेरे प्यारे भाइयों, मैं दीपेंद्र आप सभी का ऑनलाइन स्टडी विद डीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो एमसीक्यू लगवा रहे थे जो मैथ के, उसका हम 2023 का जो नया, बिल्कुल नया जो कंटेंट है वो लेकर आए हैं 2023 का सीटेट का। देखिएगा, आप खुद देख सकते हैं इसमें कि जो हमारा जो आज का जो पेपर है हम वो करवाएंगे सॉल्व, जो हमारा क्या है बेटा, सीटेट का है। सीटेट याद रखना 30 जनवरी 2023 का है। कब का है? 30 जनवरी 2023 का है और बिल्कुल नया है, ठीक है। तो हमने कुछ स्टूडेंटों से अपना ये मंगवाया है, तो हम इसी के आज जो मैथ के प्रीवियस क्वेश्चन है उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ना ना भूलें, फास्ट जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो चलते हैं आपके मैथ के प्रश्नों पर, मैथ के प्रश्नों पर अपन चलते हैं। रहेगा अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी हैं, उसने इनका 1/3 भाग राधा को, 2/5 भाग आसिफ को और 1/12 भाग सोनू को दे दिया, विशाल के पास बची कैंडी कितनी है। देखिएगा, विशाल के पास एक दर्जन है, कितनी दर्जन है बेटा, एक दर्जन। तो एक दर्जन का मतलब क्या होता है, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। इधर लिख देता हूं मैं, एक दर्जन में कितने होते हैं बेटा, 12 होते हैं। कितने होते हैं नग, 12 होते हैं। और इसके पास कितने दर्जन हैंगे, 10 दर्जन है, तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 12 × 10 बराबर हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा, 120 कैंडी हो जाएंगी किसके पास, विशाल के पास। वो कह रहा है इसने इनका 1/3 भाग राधा को, तो 120 का 1/3 भाग राधा को दे दिया, तो कितना दे दिया होगा, 40। कितना दे दिया होगा, 40 प्लस 120 का 2/5 भाग, 120 का 2/5 भाग, 5 × 10 5×20 24 × 2 कितना हो जाएगा यहां पर, 48 प्लस 120 का 1/12 भाग, तो 12 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो जोड़ लीजिएगा, 40 प्लस कितना कर देंगे, 24 × 2 कितना हो जाएगा बेटा, 48 प्लस का कितना हो जाएगा, 10। 0 0 0 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। 4 × 4 = 8 और एक कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 98। 98 कैंडी उसने राधा को, आशिफ को और सोनू को दे दी, तो विशाल के पास कितनी कैंडी बची है। वो कह रहा है विशाल के पास कैंडियों की संख्या, कुल कैंडी कितनी थी बेटा, 120। कितनी थी, 120। 120 में से 98 उसे बांट दी है, तो उसके पास कितनी बचेंगी, तो उसके पास बचेंगी कितनी, 22 कैंडी बचेंगी। कितनी बचेंगी बेटा, 22 कैंडी बचेंगी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। देखो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 56। 56 के सभी गुणनखंडों का क्या बताना बेटा, युगफल बताना है। पहले 56 के फैक्टर कर लेंगे, तो 56 के हम फैक्टर करेंगे तो देखिएगा, 2 × 2 = 4 2 × 8 = 16 दो से काटेंगे, 2 × 1 = 2 2 × 4 = 8 कितना आ जाएगा, 2 × 7 = 14 और 7 × 1 = 7 तो इधर कितने आ गए, 1 2 3 तो 2 की पावर कितना हो गया बेटा, 3 इंटू 7 की पावर कितना आ गया, 1। तो यहां पर हो जाएगा 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3। इधर करेंगे गुणा, 7 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 1 2 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 2 की पावर 1 का मतलब 2 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब 4 प्लस 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। इनको सबको जोड़ दो इंटू 7 की पावर 0 करेंगे 1 प्लस 7 की पावर 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 7। तो देखो 8 × 4 = 12 12 × 2 कितना होगा, 15 15 × 1 कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 12 12 × 2 = 14 14 × 1 कितना हो जाएगा, 15 15 × 1 कितना कर देंगे, 8 15 × 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 × 8 हो जाएगा 120। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, गुणनखंडों के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपको, हम सप्ताह में 1 या 2 टॉपिक आपको, ठीक है, टॉपिक बाई टॉपिक लेके आएंगे, क्लास जो लेके आएंगे ना हम, वो टॉपिक बाई टॉपिक एक दिन लाएंगे, एडवांस मैथ का मेंसुरेशन लाएंगे, एक दिन लाएंगे आपको क्या संख्या पद्धति लाएंगे एक दिन, ठीक है। धीरे धीरे इन सभी टॉपिकों को एक एक दिन में हम कवर करवाते रहेंगे और आपके जो हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी हमारे साथ में रह जाएंगे। वो क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा सही है। देखिएगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं, 3/5 बड़ा है क्या, 5/7 से चेक कर लेते हैं। त्रिय गुणा करो, 7 × 3 = 21 और 5 × 25 क्या 21 बड़ा है 25 से, क्या 21 बड़ा है 25 से, बोलोगे नहीं मास्टर,
गलत हो जाएगा। दूसरा देख लीजिएगा, 2/5 बराबर है 8/30 के। क्या ये रेशियो बनना है? कोई कुछ बन रहा है क्या रेशियो? नहीं बनना ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। अब इसको देखते हैं, इसको क्या है ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1/5 छोटा है 1/3 से, देख लेते हैं। 3 × 1 = 3 और 5 × 1 = 5। क्या 5 से 3 छोटा है? बिल्कुल हाँ है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वो पूछ रहा है कौन सा सही है, सही तो कह रहा था। तो देखो 5 बड़ा है 3 से, बिल्कुल सही बात है। नहीं देख रहा है, अगर 3 छोटा है 5 से बात बराबर है। तो याद रखना है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। इसको और चेक कर लेते, 3 × 1 = 3 और 3 × 4 कितना कर लेंगे? 3 × 6 = 8, 8 × 1 कितना हो जाएगा? 9 कितना कर लेंगे? 6। तो 6 × 4 = 24 और 9 × 3 = 27। क्या 24 बड़े हैं 27 से? बोलोगे नहीं सर। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी गई हैं? क्या बताना है? बढ़ते क्रम में कौन कौन सी संख्याएं लिखी गई हैं? तो हम आते हैं ऑप्शन पर, ऑप्शन पर चलते हैं। देखिएगा पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 5.02, 5.0022, 5.032, 5.32। यहां तक तो सही चल रहा है, यहां तक ठीक है। और किसी में है क्या जी वाला? 32 यहां तक तो ठीक है। जे वाला ऑप्शन कट जाएगा, जे वाला ऑप्शन कट जाएगा। कितना बचेगा? 1 और 4 बचेगा। कौन सा बचेगा बेटा? पहला और चौथा बचेगा। कौन सा बचेगा? पहला और चौथा बचेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इस वाले पे। अब 32 के बाद क्या आना चाहिए था बेटा? यहां पर 201 और फिर आता क्या? 5.3। मतलब जे वाला ऑप्शन गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जे वाला हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते क्रम में लिखना था। क्या बताना था बेटा? बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 75,707 में 7 के स्थानीय मानों का युगफल बताना है। 7 का स्थानीय मान बताना है 75,707 में। तो देखो 7 का स्थानीय मान, इसका देखेंगे स्थानीय मान तो कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 1, 2, 3, 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। 70,000 हो गया। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहां पर आ जाएगा जिस सैकड़ा पर, और ये कितने पर है? 7 पर। इन सब का योगफल बताना है। तो 7, 0, 7, 0, 7 कौन सा ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है? हमारा ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा था? सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 6,078 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो करेंगे कैसे? कौन सी संख्या है तो हम क्या करेंगे? घटाने पर होना चाहिए, 245 का भाग लगा देंगे कितने में बेटा? 245 का भाग लगाएंगे किसमें? 6,078 में। देखिएगा अगर हम देखो यहां पर 200 का अगर हम गुणा करेंगे तो 3 बार अगर जाएगा तो 600 तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन ये कितने हैं? 245। तो कितनी बार जाना चाहिए बेटा? 2 बार जाना चाहिए। कितनी बार जाना चाहिए? 2 बार। तो देखिएगा 3 बार जाएंगे तो 600 से तो ज्यादा पहुंच जाएंगे, तो 2 बार हम देंगे तो 5 × 2 = 10, 2 × 4 = 8 और 1 = 9 और 2 × 2 = 4। 0 × 0 = 10 गए कितना बचेगा? 1। 6 × 4 गए कितने बचेंगे? 6 × 5 गए कितने बचेंगे? 1। यहां पर 110 में क्या 245 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो यहां पर कितना उतार लेंगे? 7। कितना हो जाएगा बेटा? 1107। अब देखिएगा अगर हम देखेंगे 2 × 5 = 10 मतलब 1000 हो जाएगा, और 45 का गुणा करेंगे तो ये तो ज्यादा बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम कितनी बार जाएगा बेटा? 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। देखिएगा 4 बार जाना है, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 18, 4 × 2 = 8 और 1 = 9। यहां पर हो जाएगा 7, 10 × 8 गए कितने बचेंगे? 2, और 10 × 11 = 10 गए कितने बचेगा? 1। ये कट जाएगा, यहां पर कितना बचेगा बेटा? 8। अब देखो 2 × 5 = 10 मतलब 5 बार चला जाएगा, बिल्कुल हाँ।
पचम 25 की 5 हासिल कितना आ जाएंगे 2, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 2 22, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 8 में से 5 गए कितने बचेंगे 3 और 7 में से 2 गए कितने बचेंगे 5, ये तो कट जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं, एक्स्ट्रा आ रहा है बेटा 53। अगर हम इस 53 को इस वाली संख्या में से घटा देंगे तो वो 245 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना होना चाहिए था बेटा, 53 वो संख्या है जिसको अगर इस संख्या में से घटा देंगे तो हमारी संख्या 245 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। क्लियर है? अगर क्लियर है तो बताइए, अगर क्लियर है तो बढ़िया, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं आते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे प्ले स्टोर से आपको क्या डाउनलोड कर लेना है, ऑनलाइन स्टडी विथ DK का लर्निंग ऐप जरूर आप डाउनलोड कर लेना है, जिस पर आपको फ्री में PDF दी जाएंगी वहां पर, ठीक है, EBS की। और 99 रुपए की आपको क्या है, सिर्फ 99 रुपए की क्या है आपको, ठीक है, 99 रुपए की आपको EBS की डायग्राम के साथ इमेज के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी EBS की MCQ 500 क्वेश्चन। इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए तो चौथे स्थान पर कौन सी इकाई होगी, देखो एक ट्रिक बताता हूं मैं, MDHK मसाले सुना है, तो ध्यान रखना MCD के ऑफिस में MDHK मसाले मिलते हैं। क्या याद रखना है, MCD के ऑफिस में MDHK मसाले मिलते हैं। देखिएगा क्या होता है, कैसे याद रखना है, किलोग्राम ऐसे लिखना है, हेक्टा किलोग्राम हेक्ट डेका मीटर डेसीमीटर डेसीमीटर फिर क्या है हमारा सेंटीमीटर सेंटीमीटर और ये हो जाएगा क्या मिलीमीटर क्या हो जाएगा मिलीमीटर हो जाएगा मिलीमीटर ये हो जाएगा क्या बेटा मिलीमीटर देखो पहले मिलीमीटर फिर सेंटीमीटर फिर डेसीमीटर फिर मीटर फिर डेकामीटर फिर हेकामीटर और फिर क्या हो जाएगा क्या किलोमीटर ये हो जाएगा क्या किलोमीटर किलोग्राम नहीं सॉरी किलोमीटर हो जाएगा क्या हो जाएगा किलोमीटर। अब देखना इधर, जब भी हमें यहां से ध्यान रखना, जब भी इस साइड से हमें इस साइड जाना है, जैसे हम बोलेंगे 1 किलोमीटर से हमें इसमें जाना है, तो हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, सब में 10 का गुणा करना पड़ेगा, कितने का करना पड़ेगा 10 का, कितने का करना पड़ेगा 10, जैसे मैंने कहा 1 तो यहां पर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 10 की पावर 2, फिर हो जाएगा 10 की पावर 3। इस साइड जाएंगे हम तो हमें कितने कितने का गुणा करना पड़ेगा, 10 का गुणा करना पड़ेगा, कितने का गुणा करना पड़ेगा 10 का। और जब भी हम छोटी से बड़ी में जाएंगे तो हमें कितना के भाग देना पड़ेगा, 10 का भाग देना पड़ेगा, कितने का भाग देना पड़ेगा, 10 का भाग देना पड़ेगा। क्लियर है? तो वो पूछ क्या रहा है, इन्हें बढ़ते हुए क्रम में बताओ, तो पहले क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए मिलीमीटर मिलीमीटर, ठीक है, पहला क्या आना चाहिए बेटा मिलीमीटर, ठीक है, फिर आना चाहिए क्या सेंटीमीटर, फिर आना चाहिए क्या हमारा डेसीमीटर डेसीमीटर, फिर आना चाहिए डेसीमीटर, फिर आना चाहिए क्या हमारा मीटर, फिर आना चाहिए हमारा क्या डेकामीटर डेकामीटर। अब देखो हमारे ऑप्शन में सेंट मिलीमीटर है क्या, बिल्कुल हाँ है, सबसे छोटा कौन है मिलीमीटर है, पहले नंबर पर आ जाएगा कौन मिलीमीटर, दूसरे नंबर पे क्या होगा, दूसरे नंबर पर सेंटीमीटर है क्या, बिल्कुल हाँ है, तीसरे नंबर पर डेसीमीटर है, बिल्कुल हाँ है, और चौथे नंबर पर क्या मीटर है, बिल्कुल हाँ है। वो पूछ रहा है चौथे स्थान बताओ, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या बेटा हमारा मीटर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा मीटर हो जाएगा। ये याद रखना, ये ट्रिक याद रखना है, MCD MDHK मसाले, क्या याद रखना है MCD MDHK मसाले। क्लियर है? चलो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है क्या कहता है क्या कहता है, सुनिएगा क्या कहता है। वो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15:20 से 6:35 पहले क्या समय होगा, 15:20 में से कितना घटा देंगे आप, 6:00 कितना घटा देंगे, 35 मिनट घटा देंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, यहां पे मुझे बताना क्या 20 में से 35 चले जाएंगे क्या नहीं जाएंगे। तो देखो
एक घंटा है जी, ये 15 घंटे है और ये किस में दिए गए हैं, मिनट में। इसमें से हमें एक घंटा निकाल देंगे तो कितने घंटे बचेंगे, 14 घंटे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, 14 घंटे यहाँ पर बचेंगे। और जो एक घंटा है वो मिनट में बदलेगा तो कितने मिनट मिल जाएंगे, 60। तो एक घंटा निकाल देंगे तो इधर कितने घंटे बचेंगे बेटा, 14 घंटे बचेंगे। और मिनट में अगर हम इसमें हम 20 मिनट में अगर 60 मिनट और जोड़ देंगे तो 20 में 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 0 और 6 2 कितना हो जाएगा, 8, 80 हो जाएगा। अब घटा दो, 6 बचकर कितना घटा देना है, 35। देखिएगा 0 से 10 में से 5 गए 5, 8 में से 4 गए 4 और 14 में से 6 गए कितने बचेंगे, 8, 8 बचकर कितना आ जाएगा, 45 मिनट। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो वो कह रहा है जयंती किसी स्थान पी से पूर्व दिशा में 3/5 किलोमीटर चलती है और फिर वहां से पश्चिम दिशा में 1/5/7 किलोमीटर चलती है, अब वह पी से कहाँ स्थित होगी। पहले तो हम डायरेक्शन समझते होते क्या है, ये कहलाता है बेटा उत्तर, ये कहलाता है दक्षिण, ये कहलाता है पूर्व और ये कहलाता है क्या, पश्चिम। ये क्या कहलाता है, पश्चिम कहलाता है, पश्चिम क्या कहलाता है बेटा, पश्चिम कहलाता है। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। वो क्या कह रहा है कि जयंती किसी स्थान पी से पूर्व दिशा में चलती है। देखो मैं इसको हटा रहा हूं, अब चेक करना इधर, जयंती कहां चलती है बेटा, पूर्व दिशा में चलती है, कहां चलती है, पूर्व दिशा में, कितना चलती है, 3/5। ठीक है, ये हो गया पी स्थान, ये हो गया कोई पी स्थान हो गया, यहां से चली वो कितना चली बेटा, 3/5 किलोमीटर चली, कहां पर, पूर्व दिशा में, जो हो गई पूर्व। फिर यहां से, फिर वो यहां से इसी स्थान से वो वापस आती है, अब इसी स्थान से वो वापस आती है पश्चिम दिशा में, मतलब इस इधर 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 चलती है पश्चिम दिशा में। ठीक है, इधर चलती है, कितना चलती है, 1/5/7। अब मुझे बताना 3/5 बड़ा है कि 1/5/7 बड़ा है, तो बोलोगे सर ये वाला क्या है, बड़ा है, और ये वाला क्या है, छोटा है। तो जब जी बड़ा है तो लंबी दूरी तय करेगी, तो जी लंबी दूरी तय करेगी कि नहीं करेगी, हाँ या ना, तो जब लंबी दूरी तय करेगी तो इससे तो आगे हो जाएगा जी, इधर तक पॉइंट हो गया, तो यहां तक किसी स्थान पर पहुंच जाता है, पश्चिम दिशा में चलती है। तो बताना है, वो कह रहा है यहां से लेकर यहां तक का स्थान बताना है, ये वाला यहां से लेकर यहां तक का बताना है आपको। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, यहां से कितना चले थे, 1/5/7 चले थे, तो कुछ नहीं करना, पश्चिम की ओर चल रहा है ना, तो बस घटा दीजिएगा इसमें से, कितने घटाना है, 5 + 7 = 7 और 7 और 1 = 5 = 12, 12 / कितना कर देंगे, 7, इसमें से घटा देंगे कितना, 3/5, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 × 35, 7 का भाग लगाएंगे 35 में तो 5, कितना आ जाएगा, 5, और 12 का भाग, 12 का गुणा करेंगे 5 में तो 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60, माइनस का 5 का भाग लगाएंगे 35 में तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, और 7 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 21 हो जाएगा, 60 में से 21 घटाओ तो 0 में से 1 गया 9 बचे, 10 में से 1 गया कितना बचेगा 9, और 6 में से 3 गए तो कितना बचेंगे, 3/3 में कितना कर देंगे, 35, और 35 का भाग जा रहा है इसमें 35 से कम 35, कितना शेषफल बचा, 4, तो 4/ कितना कर देंगे मेरे भाई, 35 कर देंगे, और कहाँ जा रहा था जी, पश्चिम में जा रहा, कहाँ जा रहा बेटा, पश्चिम में जा रहा, कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जो पश्चिम में जा रहा है, कौन सा है, 1/4/5 पश्चिम की ओर, ये तो पूरब की ओर गलत है, पी से पश्चिम की ओर बिल्कुल सही है, पी से पश्चिम की ओर 1/4, अरे अच्छा 1/4 ये भी गलत है, वो कितना हो जाएगा, 1/4/5, वो कह रहा है 1/4/5, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही हमारा, सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है कौन सा, यहां पर फोकस कीजिए, निम्न में से कौन सा नहीं है, भैया नेगेटिव वाले पर बहुत ज्यादा अपन को क्या करना है, फोकस करना है, कौन सा नहीं है। वो कह रहा है 2 दर्जन और आधा दर्जन, 1 दर्जन में कितने हो तो 12, तो 2 दर्जन में कितने होंगे, 12 × 2 = 24, 24, 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, तो आधे दर्जन में कितने होंगे 6, 24 और 6 = 30 होते हैं, बिल्कुल हाँ होते हैं, मतलब वो कह रहा है ये तो सही है,
ठीक है आगे देखते हैं। वो कह रहा है पांच पांच लीटर और 50 मिलीलीटर बराबर, एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं बेटा, 1000 मिलीलीटर होते हैं, और कितने हैं 50 हैं, ये 1050 आ रहा है क्या, 1050 मिलीलीटर, ये तो है 550, मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन गलत है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जा चाहिए होना चाहिए यही वाला। वो कह रहा नहीं है वाला पूछ रहा था ना, नहीं है तो नहीं वाला नेगेटिव है तो हमारा ये वाला बराबर नहीं होगा। इसको और चेक कर लेते हैं, अभी बताया था मैंने एमसीडी एमडीएच के मसाले बताया था ना कि नहीं, देखिएगा मिलीमीटर से कहाँ जाना है अपन को, मिलीमीटर से कहाँ जाना सेंटीमीटर में, तो देखो एक में हम कितने का भाग लगाएंगे 10 का, हमने बोला था इस साइड जाएंगे छोटे से बड़े में जाएंगे तो 10 का क्या लगाएंगे भाग, और बड़े से जब भी हम छोटे में जाएंगे तो क्या करेंगे हम क्या लगाएंगे क्या करेंगे हम उड़ा करेंगे किसका 10 का, तो 10 का भाग लगाएंगे तो 0.1 आ जाएगा, तो देखो 0.1 है ये भी सही था, और ये भी हमारा क्या हो 10 पैसा बराबर होता है 0.10, तो ये भी सही है। कौन सा गलत था हमारा, ये वाला बिल्कुल गलत था हमारा। ठीक है बेटा निम्न लिखित आकृति में से किस आकृति की रेखिक भाग घूर्णन सममिति की संख्याएं बराबर नहीं होती हैं, देखो वो पूछ रहा है किसकी नहीं होती है, तो पहले बात करते हैं किसकी रेखिक की और फिर करते हैं किसकी घूर्णन की। रेखिक सममिति क्या होती है, जैसे मैंने एक वर्ग बनाया, देखिएगा जी बना वर्ग जी बना वर्ग, रेखिक सममिति का मतलब होता है अगर मैं इसको दो बराबर भागों में बांटूं, इसको दो बराबर भागों बांटूं तो जे वाला हिस्सा और जे वाला हिस्सा बराबर दिखेगा, देखेगा अगर मैं इसको मोड़ दूंगा इस प्रकार का तो इसके ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अगर जी इसको फिर मोड़ूंगा तो इस पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो मतलब ये दो बराबर भागों में बट रहा, अगर मैं यहां से एक लाइन खींचूं क्या मैं इसको भी बन रहा है जी, इस साइड अगर हम इसको बंद करेंगे तो क्या जी बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, तो ये कहलाती है क्या हमारी बेटा रेखिक, क्या कहलाती है रेखिक सममिति, क्या कहलाती है रेखिक, मतलब मिरर इमेज बनाना, क्या बनाना है मिरर इमेज बनाना, वो क्या कहलाता है रेखिक सममिति। अब बात करते हैं घूर्णन सममिति की, घूर्णन सममिति का मतलब जे एक पॉइंट है ठीक है जी, अगर मैं इसको घुमा दूं इस प्रकार सा तो क्या मैं दिखाई देगा क्या कि सेम नहीं, देखिएगा इधर है ना, इधर मैंने घुमा दिया कितना घुमा दिया 45 डिग्री घुमा दिया, कितना घुमा दिया यहां से घुमाया 45 डिग्री, तो क्या जी पहले जो ऐसा था वैसा ही है क्या जी, नहीं है। अब इसको मैं और घुमाना तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, देखो कितना डिग्री पर घुमाने पर आ रहा है बेटा 180 डिग्री पर घुमा नहीं पर आ रहा, इसको बोलते हैं क्या हम घूर्णन सममिति, क्या बोलते हैं बेटा घूर्णन सममिति कहते हैं। इसको देखो जब हम क्लास करेंगे, एक लंबा टॉपिक है, एक घंटे का टॉपिक है, इसको हम बेहतरीन ढंग से जब हम क्लास लेंगे ना इसकी, तो उसको हम बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे। तो देखो इसका आंसर क्या नहीं हो सकता, तो देखो वर्ग है ठीक है, समांतर चतुर्भुज में बिल्कुल हाँ है, और समचतुर्भुज में बिल्कुल है, कौन में नहीं है बेटा आयत में बराबर नहीं होती हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें बराबर किस में नहीं होती हैं, तो इसमें नहीं होती बराबर ठीक है। अब क्यों नहीं होती हैं, मैंने बता दिया आपको कि रेखिक क्या है और घूर्णन क्या है, इसको डिटेल में हम लोग क्लास में करेंगे ठीक है बेटा। चलो दो शब्दों को देखना है, रेखिक और घूर्णन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेहान कागज मुड़कर एक घन बनाता है, वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन को बनाना है, अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए, तो देखो एक घन का अगर हम घन का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो देखिएगा घन की भुजा कितनी देगी बेटा 5 सेंटीमीटर देगी, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या भुजा का क्यू, क्या होता है बेटा भुजा का क्यू, तो घन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5 का क्यू, और कितने घन बनाना है 25 घन बनाना है, तो 25 का क्या कर देंगे गुणा, तो घन का क्यू कितना हो जाएगा 125 इंटू कितना हो जाएगा 25, तो 25 पंचे कितना होता है 125 की 5 हासिल 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 कितना हो जाएगा 62, 62 की कितनी आ जाएंगी यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 2, हासिल कितनी आ जाएंगी यहाँ पर 60, तो 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, हमारा कितना आ जाएगा आंसर 3125, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा हमारा बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है।
देखो अगर नहीं समझ में आया तो देखो एक बार और देख लो, वो कह रहा है रेहान एक कागज मुड़कर एक घन बनाता है। घन क्या होता है, देखिएगा घन होता है जिसकी लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो और साथ में क्या हो ऊंचाई हो। जैसे मैं यहां पर बना देता हूं घन को, ऐसा नहीं बनेगा जी, ये क्या है बेटा घन है, क्या होता है जी घन, ये क्या होता है क्यूब होता है। इसमें देखिएगा यहां से लंबाई भी है चौड़ाई भी है और बेटा क्या दी गई है ऊंचाई भी दी गई। एक ऐसी आकृति, एक ऐसी त्रिकोणीय आकृति जिसमें लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो और ऊंचाई हो। लेकिन हमारा जो घन है क्यूब है इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है बराबर होती है, क्या होती है बराबर होती है। वो कह रहा है एक भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो हम बात करेंगे अगर हम इसका घन निकालेंगे, घन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का क्या हो जाता है क्यू, क्या कहलाता है भुजा का क्यू, क्योंकि लंबाई भी ए है चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी क्या है ए है, तो ए ए ए क्या हो जाएगा भुजा का क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है इसका एक क्षेत्रफल निकालेगा, मतलब जो घन बनाना है उसे सभी घनों को एक बड़े डिब्बे में रखना है, तो एक छोटा घन की जो क्षेत्रफल घेरेगा तो कितना घेरेगा बेटा वो 125 सेंटीमीटर घेरेगा। ऐसे कितने बनाना है अपन को 25 बनाना है, तो 25 का गुणा कर देंगे तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाता 3150 हो जाता, कितना हो जाता हमारा 3150 हो जाता। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। देखो जो इंग्लिश वाले हैं बेटा इंग्लिश में देख लेंगे, जो इंग्लिश में है और जो हिंदी में दिया है वो क्या कह रहा है इसका माध्यिका बतानी है, क्या बतानी है बेटा माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका कहलाती है बीच की, क्या कहलाती है बेटा बीच वाली संख्या। तो सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, देखो मैंने कहा 5, 3, 4, 8, 7, 6 और 2 कि मुझे माध्यिका बताइए। तो कभी भी इस प्रकार की अगर संख्या दी जाए तो क्या करना पड़ता है बेटा, सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिख लो, किस क्रम में लिख दो बढ़ते क्रम में लिख लो। तो सबसे छोटी कौन है बेटा 2, फिर कौन है इसको 3, फिर कौन है 4, फिर कौन सी है 5, फिर है कौन 6, फिर है 7 और फिर है 8। माध्यिका होती है बीच की संख्या, तो 3 इस साइड का हटा दो, 3 इस साइड का हटा दो, बीच की संख्या क्या कहलाएगी 5, यही क्या कहलाती है बेटा माध्यिका कहलाती है, क्या कहलाएगी माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा अपन को, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, पहले इसको किस में लिखना है आपको आरोही क्रम में लिखना है, क्या करना है आरोही क्रम में लिख लेना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। अपना प्रश्न क्या कह रहा है कि 160, 167, 158, 159, 161, 158, ठीक है यहां पर दो बार 158 हो गया, 162 और 170 सेंटीमीटर है, तो इसको पहले हम क्रमागत लिख लें। तो सबसे छोटी कौन हो जाएगी इसमें बेटा, सबसे छोटी 162, सबसे छोटी हो जाएगी क्या इसमें 160, 158, 159 हो जाएगी। सबसे पहले लिख दें कि 158, ठीक है, फिर होती है 159, फिर होती है 161, फिर 161 के बाद क्या है, पहले 160 है ना, आओ 160 लिख दिया, फिर होती है बेटा 161 होती है, फिर कोई दिख रही क्या 161 के बाद 100, फिर क्या है 167 है, तो मैंने 167 लिख दिया, फिर है कोई, फिर है 170, अच्छा 61 के बाद 62 भी है, ये भी 162 है, फिर 167 है और फिर 170 है। गिन लो कितनी हैंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैंगी। तो 3 इस साइड के हटा दो, 3 इस साइड के हटा देंगे और 3 इस साइड के हटा देंगे, बीच की संख्या क्या दिख रही है हमारी, बीच की संख्या दिख रही कितनी बेटा 161 दिख रही, कौन सी दिख रही 161। तो हमारी माध्यिका क्या हो जाएगी मेरे भाई, हमारी माध्यिका हो जाएगी क्या 161, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखिएगा क्वेश्चन को पढ़िएगा, निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का क्या करना है चुनाव करना है। देखो विद्यार्थियों के जो पसंदीदा खेल हैं, विद्यार्थियों के जो क्या है पसंदीदा खेल हैं, कौन कौन है, फुटबॉल है, शतरंज है, बैडमिंटन है और वॉलीबॉल है। विद्यार्थियों की जो संख्या है
फुटबॉल जो खेल रहे हैं वो है 60 विद्यार्थी हैं, शतरंज जो खेलते हैं वो 50 विद्यार्थी हैं, बैडमिंटन जो खेलते हैं वो 70 विद्यार्थी हैं, और वॉलीबॉल खेलते हैं वो कितने विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी हैं। और एक आपको एक नोट टाइप का दिया है कि एक विद्यार्थी केवल एक खेल पसंद करता है, मतलब एक विद्यार्थी एक ही खेल खेलता है, ठीक है। अगर फुटबॉल 60 खेल रहे तो सिर्फ फुटबॉल ही खेलते हैं, इसके अलावा नहीं खेलते हैं। अब आ जाते हैं अपने ऑप्शन पर। ऑप्शन क्या कह रहा है पहला समझिएगा, ऑप्शन पहला क्या कह रहा है, शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है। मतलब जो शतरंज खेल रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है किससे, फुटबॉल खेलने वालों से। अब आ जाते हैं यहां पर, तो शतरंज की कितने लोग हैं बेटा, 50, और फुटबॉल के कितने हैं, 60। क्या 50 ज्यादा है 60 से, बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, तो हमारा ऑप्शन पहला तो क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा क्या कह रहा है, बैडमिंटन पसंद करने वाले यहां पर देखो, बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों से क्या है, कम है। बैडमिंटन कितने हैं बेटा, 70, और फुटबॉल कितने खेल रहा है, 60। तो 70 क्या कम है क्या इससे, क्या कम है क्या फुटबॉल वाले से, क्या कम है इससे 60 से, इससे तो वो ज्यादा दिख रही है, मतलब ये वाला भी गलत है। तीसरा देखो, शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या 1/4 है, मतलब क्या है, 1/4 बताना है शतरंज खेलने वालों की। तो देखो कुल कितने हैंगे, 0, 7 और 2 9, 9 5 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20, मतलब कुल विद्यार्थी कितने हैं बेटा, 200 हैं। और शतरंज पर पसंद करने वाले कितने हैं, शतरंज वाले हैं 50, तो क्या 50 बटा, देखो इधर कर देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा पहले। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, 50 बटे कितना करना है, शतरंज कितने खेलते बेटा, पसंद करते हैं 50 लोग, तो 50 बटे कितना करना है आपको, 200, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 चौको 20, कितना आ जाएगा, 1/4। क्या 1/4 संख्या है क्या, देखो हाँ बिल्कुल है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। और चौथे पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, जब हमें आंसर मिल गया तो हमें चौथे पर क्यों जाना है, क्यों समय को बर्बाद करें, पर है ना, आगे देखिए, आगे देखिए, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीजनिंग का है, सीरीज का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का है, इसको मिसिंग नंबर में भी आ जाता है, ये किसमें आता है, मिसिंग नंबर में। देखिएगा वो क्या कह रहा है, 0 से 1 पर 1 पर, फिर 1 पर 2 3 5 8 -21 34 और -89। तो मुझे बताना है यहाँ पर जो गायब हैं वो कौन कौन सी संख्याएं हैं, वो बतानी है अपन को। तो देखो एक पैटर्न बनेगा, यहाँ पर पैटर्न क्या बन रहा है, देखिएगा 0 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, 0, और 0 में हम मतलब जोड़ने से तो आ नहीं रहा, अब गुणा करने पर आ नहीं रहा। अगर हम इस प्रकार का बनाएंगे तो 0+1 करके देखो, तो 0+1 करेंगे कितना आ जाएगा, 1, हाँ आ रहा है, 0 में 1 करेंगे तो क्या 1 बन रहा है। अब देखो इसमें 1 को 1 को जोड़ो, 1+1 करने पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है क्या, 2 है, हाँ है, 2 में 1 में 2 जोड़ो, 1+2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, 2 में 3 जोड़ के देखो क्या 5 है क्या, 5 आ रहा है, 5 में 3 जोड़ो कितना आएगा, 8, क्या 8 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, ठीक है, 5 में कितना जोड़ेंगे, 8 आ रहा है क्या, तो 8 में हमें कितना जोड़ना है, देखिएगा यहां पर हमारा कितना है, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8, 8 में हमें कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है, तो 8 5 कितना आ जाएगा, 13, क्या 13 ऑप्शन में कहीं है, 13 एक ही जगह है हमारे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा हमारा, बी। आगे भी हम देखेंगे क्या 13 में हम 8 जोड़ने पर 21 आ रहा है, बोलो हाँ आ रहा है, देखिएगा 21 आ रहा है, 21 में अगर हम 34 जोड़ देंगे, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 और 3 और 5 कितना आ रहा है, 55 है हमारे ऑप्शन में,
देखो यहाँ पर आ जाएगा 13 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 55। क्या आगे भी सीरीज चल रही है तो 34 में हम कितना जोड़ देंगे, 55 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 89 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बिल्कुल हमारी सीरीज बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 13 और 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 और 55। ठीक है, तो आपके जो सीटेट में जो 15 मैथ के प्रश्न आते थे उनको हमने आज क्या किया है, कंप्लीट करवा दिया। बाकी ये 15 नंबर की क्या आती है बेटा, पेडागोजी। क्या आती है बेटा, पेडागोजी आती है। क्या आती है, पेडागोजी। आपके 15 नंबर दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, तो बस आप लगे रहिए, डटे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, हम डेली आपको, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन है 2023 के नए, बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन। क्या बेटा, अपडेट हैं जी। कैसे हैं, अपडेटेड हैं बिल्कुल। ठीक है, आपको साइड पे भी नहीं मिलेंगे। जो कुछ स्टूडेंट हैं जो एग्जाम देके आए उनसे अपन ने लिए हैं, तो 2023 के जो अपडेट क्वेश्चन है वो हम डायरेक्ट आपको डेली डेली आपको 15, और कभी कभी हम एक काम करेंगे दो दो स्लाइड एक साथ ले लेंगे। ठीक है, दो दो पेपरों को एक साथ ले लेंगे जिसमें आपके 30 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कवर करवा देंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर क्या कर देना है, शेयर कर देना है। और सबसे बड़ी काम, सबसे बड़ा काम क्या क्या करना है आपको, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या करना है बेटा, ज्वाइन कर लेना है। क्या करना है, कर लेना है आपको ज्वाइन। वहाँ पर आपको PDF उपलब्ध मिल जाएंगी, और एक और प्ले स्टोर से ऑनलाइन स्टडी विथ DK का लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना है। जय हिंद, जय भारत।